हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से लर्न मेडिक्स में। हम लोग पिछले क्लास में हिस्टामिन के रिसेप्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज वो दवाइयां पढ़ेंगे जो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है, मेरा मेन टारगेट यही है कि आप लोगों का MCQ सॉल्व हो और आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग बेस्ट दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने रिसेप्टर्स कितने तरीके के पढ़े थे, H1, H2, H3 और H4। उन सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो आपका एंटी हिस्टामिन ड्रग कहलाएगी वो। तो मेन इम्पॉर्टेंट आपका H1 ब्लॉकर है। तो H1 में जब सबसे पहले जो दवाइयाँ बनी थी वो फर्स्ट जनरेशन है, उसके बाद जो दवाइयाँ बनी वो सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन की जब दवाई बनी थी तो उस समय ये जो ड्रग है, उस समय क्या अभी भी जो फर्स्ट जनरेशन के एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती है। अब याद करो कि ब्रेन के अंदर CNS के अंदर कौन सा हिस्टामिन का रिसेप्टर प्रेजेंट है, वेरी गुड, H1। ये मास्ट सेल से है या नॉन मास्ट सेल से, तो आप बोलेंगे कि नॉन मास्ट सेल से। इसका मेन काम क्या था कि ये आदमी को जगा के रख रहा था, वेकफुलनेस कर रहा था। तो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है तो ये क्या करेगी, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी तो सेडेशन हो जाएगा। CNS में प्रेजेंट मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स जो होती हैं ये उन मस्करिनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देती है। इसी को एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी कहते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट देती है। दूसरा, तीसरा, ये आपका अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन्स के साथ इंटरैक्ट करती है और इनको पोटेंशिएट करती है। इन सब चीज़ों का जो डिसएडवांटेज था कि सेडेशन कॉज कर रही है एंटी कोलिनर्जिक, तो ये सारी की सारी चीज़ें खत्म हो गई कब, जब हम लोग सेकेंड जनरेशन की तरफ स्विच किए। सेकेंड जनरेशन वाले ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती है, इसका कोई भी एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं होता है और ये अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन्स के साथ कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। अब आते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं आपके पास, प्रोमिथाजीन, डाइफेनाइलहाइड्रामीन, फिनारामीन, कैनराजीन, साइक्लाजीन और ब्यूसाइक्लाजीन। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलते रहेंगे तो आपको ये ड्रग्स अपने आप याद होने लग जाएंगे। अब एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी का काम करता है, जैसे कि ड्राइविंग कर रहा है तो उसको अटेंशन चाहिए, ओके, अटेंशन वाला काम। स्विमिंग कर रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, और पायलट अगर जो प्लेन उड़ा रहा है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। तो अगर इन मस से किसी को भी एलर्जी होती है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दी जानी चाहिए। ऑफकोर्स एलर्जी में याद रखो कि H1 रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ड्राइवर बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, तो क्या हम इसमें फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देंगे, द आंसर इज नो। क्योंकि भाई अगर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसको अचानक से सेडेशन हो जाए, उसको नींद आने लग जाए तो वो कहीं पर भी भेड़ देगा, ओके, तो हमको नहीं देना है। कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, तो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देने के बाद वो तैरते तैरते सो जाएगा और डूब के मर भी सकता है। पायलट अगर सो जाएगा तो क्या होगा, आप जानते हैं। तो MCQ में यही पूछता है कि इन मत से कौन सी दवाई जो है ये ड्राइवर स्विमिंग पर्सन को या पायलट को नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन में इन मत से एक दे देगा और आपका आंसर वही होगा। प्रोमिथाजिन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसी को फेनरगन के नाम से जानते हैं, ब्रांड नेम इसका है। और दूसरा MCQ ये पूछता है कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में सबसे ज़्यादा ब्लड ब्रेन बैरियर कौन सी ड्रग क्रॉस करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रोमिथाजिन। सीसाप्राइड, एस्टिमाजोल और टर्पिनाडीन, ये सारे के सारे ड्रग्स एरिथमिया क्रॉस करती हैं, और स्पेसिफिक एरिथमिया का अगर नाम बताऊँ तो टॉसिडी डी पॉइटस होता है। MCQ कैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विड्रॉल फ्रॉम मार्केट ड्यू टू टॉसिडिडी पॉइटस, तो तीनों ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन हो सकता है अलग दे दे, अगेंस्ट में पूछ ले, एक्सेप्ट करके पूछ ले, कैसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है। आपका जवाब क्या होना चाहिए, एस्टिमाजोल। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में आपकी कौन कौन सी आती है, फेक्सोफेनाडीन,
टर्फिनाडीन, स्टीमिजोल, लोराटाडीन, डेसलोराटाडीन, सिट्रेजीन, लिवोसिट्रेजीन, एजिलेस्टीन और ओलापेटाडीन। सबसे पहले बात करते हैं टर्फिनाडीन के बारे में। टर्फिनाडीन जब बॉडी के अंदर जाती है तो ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है फेक्सोफेनाडीन। पर फेक्सोफेनाडीन को भी मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये भी एरिथमिया कॉज कर रही है, क्यूटी प्रोलोंगेशन कर रही है, या क्यूटी इलोंगेशन भी कह सकते हैं इसको, ये कर रही है। इसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी कहते हैं। लोराटाडीन जो है ये डेसलोराटाडीन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये लोराटाडीन जो है इसका कोई भी कार्डियक साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये कोई भी एरिथमिया, मतलब आप यहाँ से ये समझ के चलिए कि जब सबसे पहले टर्फिनाडीन बनाई गई तो देखा भाई फेक्सोफेनाडीन बन रहा है, फेक्सोफेनाडीन जब दिया गया तो देखा हमने कि क्यूटी प्रोलोंगेशन हो रही है, तो हमको ऐसी दवा चाहिए थी जो एरिथमिया या कार्डियक साइड इफेक्ट ना करे, तो हमने बनाई लोराटाडीन। लोराटाडीन जो है इसका कोई भी कार्डिक साइड इफेक्ट नहीं है, पर ये भी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है और डेस लोराटाडीन बनाती है। एमसीक्यू कैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ लोराटाडीन, तो आपका जवाब होना चाहिए यस डेस लोराटाडीन। फिर आते हैं सिट्रेजिन पे। सिट्रेजिन सेकेंड जनरेशन की ड्रग है, और ये किसका मेटाबोलाइट है? वेरी गुड, हाइड्रोक्सीजीन का। वैसे तो सिट्रेजिन सेकेंड जनरेशन की है तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करनी चाहिए, पर ये बहुत सारे लोगों में ड्राउजीनेस करती है, या बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सिट्रेजिन खाने के बाद भी उनको नींद आ रही है। अगर एरिथ्रोमाइसिन या कीटोकोनाजोल के साथ सिट्रेजिन दिया जाए तो ये एरिथमिया कॉज कर सकती है। एक एमसीक्यू आपका और बनता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटाबोलाइज्ड। इनमें से चार दवाइयाँ दी हैं आपके सामने और पूछा है कि इनमें से कौन सी ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होती है। वेरी गुड, फेक्सोफेनाडीन मेटाबोलाइज नहीं होती है, याद रखो ना यहाँ पे। फेक्सोफेनाडीन किसका एक्टिव मेटाबोलाइट है? टर्फिनाडीन का। तो ये फेक्सोफेनाडीन आगे जाके कोई भी मेटाबोलिज्म या कोई भी मेटाबोलाइट नहीं बना रही है। जब ये देखा गया कि ड्राउजीनेस हो रही है सिट्रेजिन के साथ, तब इसका एनेंशियोमर चेंज कर दिया गया। इसी को लिवोसिट्रेजिन के नाम से जाना जाता है। अब लिवोसिट्रेजिन जो है ये ड्राउजीनेस कम करती है, पर बहुत सारे लोग अभी भी कंप्लेन करते हैं कि लिवोसिट्रेजिन खाने के बाद भी ड्राउजीनेस हो रही है। तो ट्रक ड्राइवर में या स्विमिंग में और या पायलट में हम लोग लिवोसिट्रेजिन का यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी एलर्जिक ड्रग है, आपने बहुत खाई होगी। आप हमेशा देखिएगा जब कभी भी आप पैरासीटामोल लेने जाते हैं तो साथ में लिवोसिट्रेजिन जरूर दे देते हैं। ओके, इससे क्या होता है? यस, नाक बहना बंद हो जाती है। फिर आते हैं आपका एजिलस्टीन में। एजिलस्टीन की टॉपिकल एक्टिविटी है, तो आपसे सीधा सवाल यही पूछता है पहला कि इन मस से कौन सी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जिसकी टॉपिकल एक्टिविटी है। वेरी गुड, एजिलस्टीन नेजल स्प्रे की तरह यूज करते हैं और रेनाइटिस में यूज करते हैं। रेनाइटिस का मतलब यस इन्फ्लामेशन इन योर नेजल म्यूकोसा। अगर एजिलस्टीन को ओरली दिया जाए तो ये वेट गेन करती है। ये सब के सब एमसीक्यू पूछे हैं और एमसीक्यू ही आएंगे। मैं आप लोगों को पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या पूछे जाते हैं, ताकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए आप तैयार हो सकें और आने वाले समय में आप ऑल इंडिया रैंक लेकर आ सकें। इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये और लोगों के पास पहुँचे और बच्चों के पास पहुँचे और उनका भी भला हो और वो भी कुछ नया ज़रूर सीखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो।